बैंकिंग में ग्राहक संबंध अधिकारी सीआरओ टेलर दोहरी भूमिका निभाते हैं। सीआरओ के रूप में वे ग्राहक संबंध बनाते और बनाए रखते हैं, पूछताछ का समाधान करते हैं और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करते हैं। टेलर के रूप में वे जमा निकासी और भुगतान जैसे दैनिक बैंकिंग लेनदेन को संभालते हैं, जिससे सटीकता और दक्षता सुनिश्चित होती है। उनका लक्ष्य ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना, बैंक उत्पादों को बढ़ावा देना और फ्रंट डेस्क पर सुचारू मैत्रीपूर्ण सेवा सुनिश्चित करना है। मैं आपको बताता हूँ जॉब डिटेल। दोस्तों, हमारी वेबसाइट है employmentguruji.com। गूगल में सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद कुछ ऐसे ही आपके सामने आ जाएगा। जो पहला लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले आपको हर बैंक का जॉब के जो नोटिफिकेशन है सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे आपको ऑल बैंकिंग जॉब के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा बंधन बैंक जॉब। बंधन बैंक कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर और टेलर का जो जॉब है ये दिखाई देगा, इसको ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसमें आपको डिटेल्स वाइज आपको बताते हैं बंधन बैंक का जो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है यानी कि सीआरओ या टेलर जो जॉब है, तो सही है एकदम 100% ओरिजिनल जॉब रहेगा यानी कि जेन्युइन जॉब है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, पहला कौन सा तरीका है, सेकंड कौन सा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जॉब डिटेल मैं आपको बताता हूं। तो आपको डायरेक्ट बैंक में ही ये जो जॉब होने वाला है, आपको जॉब डेजिग्नेशन आपको क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर यानी तो टेलर का जॉब आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जॉब आपको होगा फुल टाइम या परमानेंट जॉब रहेगा। आपको कोई भी बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी एक्सपीरियंस भी, और इसके साथ साथ यदि आप कोई भी अदर डिपार्टमेंट से हो, चाहे रियल एस्टेट फार्म डिपार्टमेंट से हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस कहने का मतलब है अप टू 5 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, यानी कि दोस्तों यदि आप फ्रेशर है तो आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 12th पास है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। लैंग्वेज आपको हिंदी इंग्लिश, इसके अलावा अगर आपको बंगाली आता है तो वेल एंड गुड रहेगा। सैलरी आपको दिया जाएगा, एक्सेलेंट सैलरी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपके इंटरव्यू कैसे होगा, तो इंटरव्यू आपको ऑनलाइन ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे जैसे ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसके बाद आपको टेलीफोनिक राउंड होगा, फिर फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। नीचे आएंगे दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर आप परचेस करना चाहते हो तो आप यहां से ले सकते हो। यहां पे बंधन बैंक के जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे हैं, चेकआउट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर आ जाता हूं। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पे कंपनी का नाम, और यहां पे दो तरीका जो मैंने आपको बताया था, एक तो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, दूसरा है थ्रू आपको लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो ये पेज यहां से बंधन बैंक का ओपन हो जाएगा, यहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था SBI का कैडेट ऑफिसर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के बारे में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब है, तो बिल्कुल उसमें भी अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बंधन बैंक इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले आना होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डेजिग्नेशन और प्रिफर्ड लोकेशन सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक करके उसके बाद आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना होगा, फिर सबमिट करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको बंधन बैंक का आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। यदि लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो ये वाला वीडियो आप देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बंधन बैंक में कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी आप फुल वीडियो चेकआउट कर दीजिए। दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे आपको लिंक्डइन के थ्रू आपको ये जो जॉब है ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप एंड टेलर का जॉब है, इसमें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंटरव्यू। अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक्डइन में आने के बाद आपको इजी अप्लाई में क्लिक करना होगा। अगर आप हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल अप्लाई नहीं फॉलो नहीं किया तो यहाँ से फॉलो भी कर सकते हो, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ईजिली अप्लाई के ऊपर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल को यहाँ से सबमिट करके अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।